कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो दिखाया था किंगफिशर एयरलाइन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में आज हम कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट नंबर 1 से लेकर मैंने 11 तक लेक्चर नंबर 1 में डिक्टेट कर दिए थे और उनकी बातें थोड़ी सी कर दी थी। तो एक बार आप जो भी बच्चे जहां भी बैठे हैं, कंसेप्ट 1 से लेकर 11 तक एक रीडिंग दे दें, बाकी का काम मेरा है। आप एक रीडिंग दे दें बस, बाकी सब काम मैं करूंगा। रीडिंग इन द सेंस कि मैंने जो जो डिक्टेशन दी थी उसको पढ़ लें। आप लास्ट क्लास में नहीं आएगा, आप थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा रजिस्टर। आप थोड़ा इनके साथ बैठ जाएंगे, इनके साथ बैठ जाएंगे, रजिस्टर शेयर करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में जो 11 कंसेप्ट बताए एक बार वो पढ़ने पड़ेंगे। आप आगे इनके साथ बैठ जाएंगे। एक बार रजिस्टर दिखाएं उनको, कॉन्सेप्ट 1 से जो 11 तक मैंने बताए हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं समय ध्यान से, बिल्कुल शांत स्वभाव से, कमर सीधी है आपकी और बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ रहे हैं। सारी टेंशन दूर है अब, आप कोई टेंशन नहीं, आपको जो हुआ सो हुआ। अब 2.5 घंटे मेरे साथ। लेक्चर 2 की तैयारी आज हमारी, आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 2 तो मैं शुरू कर रहा हूं जी। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को माना होगा और 11 कंसेप्ट्स एक बार रीडिंग तो दे ही दी होगी, बाकी का जिम्मा मेरा। मैं एक हल्की सी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने जो चैप्टर शुरू किया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, उस चैप्टर का नाम था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हम जो भी कुछ कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रहे हैं और उसमें एक मैनेजमेंट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
और वर्किंग कैपिटल का वैसे मीनिंग आप बचपन से पढ़ते आए हैं, मैंने आज इस मीनिंग को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। एक वर्किंग कैपिटल होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल होती है नेट वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ग्रॉस को कहेंगे टोटल ऑफ करंट एसेट्स, और जैसा आप जानते हैं नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो किसी भी चीज में नेट लिखा हो तो कुछ लेस ही तो करते हैं, तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज लेस कर देते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। मैंने उसके बाद यह बताने की कोशिश की थी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मुख्य तौर पर हम दो स्टेप्स करने वाले हैं, स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू। हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, टू स्टेप्स, स्टेप वन एंड स्टेप टू, और 20-22 क्वेश्चंस क्लास वर्क में कर डालेंगे जो अभी तक हमने एक भी नहीं किया, और 15-20 क्वेश्चंस ईपीक्यूज में कर डालेंगे। लेकिन पहला स्टेप जो होता है दोस्तों, इसमें नाम है एस्टीमेशन, एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि आपको वर्किंग कैपिटल की सबसे पहली बात एस्टीमेशन करनी है। एस्टीमेशन, एस्टीमेशन का मतलब होता है आपको यह चीज ढूंढनी है कि हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दोस्तों एक्टिविटीज तीन तरह की होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। मैं यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, जो आपका मेन बिजनेस है, मेन धंधा है। जैसे लता मंगेशकर का मेन धंधा गाने बोलना है, कैटरीना कैफ का मेन धंधा मूवीज में काम करना है, तो मैं कहूंगा कि कैटरीना कैफ जो मूवीज में काम करती है और जो एक्टिंग के पैसे लेती है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैटरीना कैफ का एक लंदन में फ्लैट है और वो कैटरीना कैफ लंदन में फ्लैट बेच देती है और उसको कुछ यूरोस का फायदा होता है, तो मैं कहूंगा कैटरीना कैफ की वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंशियल होगी, हमें तो ऑपरेटिंग में ध्यान देना है। मैंने पिछली क्लास में आपको तीन चार कंपनीज की बातें की थी, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, जैसे अपोलो टायर्स, जैसे ब्रिटानिया ब्रेड्स, जैसे नटराज पेंसिल, जैसे कॉलगेट टूथपेस्ट, जैसे मारुति सुजुकी, जैसे इंफोसिस, ऐसी बड़ी सारी कंपनियां आप रोज देखते हैं। अब आप जब भी देख रहे होंगे, मेट्रो में जा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, तो आपका माइंड चलना चाहिए, पॉपअप होना चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं इनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे क्यों चाहिए, या इनके वर्किंग कैपिटल के पैसे लगते कहां होंगे, इनका करंट एसेट क्या होगा और इनका करंट लायबिलिटी क्या होगा, इनको किस किस चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। डे टू डे नेचर की बात कर रहा हूं, डे टू डे नेचर। अभी भी आपकी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, 50, 100, 200, 300, वो आपके वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि आज आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर हो, मेट्रो के पैसे चाहिए, चाय पीने के पैसे चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे चाहिए, फोन को चार्ज कराना है उसके पैसे चाहिए। हाँ, बुक खरीदनी है तो मैं कहूंगा बुक रोज रोज नहीं खरीदते, तो वो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि वो पैसे आएंगे कहां से, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मुख्य तौर पर दोस्तों दो ही स्टेप्स हैं किसी भी क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। एक स्टेप का नाम है एस्टीमेशन और दूसरे स्टेप का नाम है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पैसे आएंगे कहां से, मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आएंगे कहां से, तो मैं अभी आज इस बात के ऊपर लगा हुआ हूं कि एस्टीमेशन क्या होती है। तो मैंने लास्ट क्लास में एक बात आप सबको बता दी थी कि एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में
हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर देते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसको होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि आप करके आए होंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही सोचता हूं हमेशा, मुझे आप में अच्छी चीजें दिखती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आने वाले जीवन में बहुत बढ़िया करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एस्टिमेशन का मतलब है मुझे पहले से ही, एस्टिमेट का वैसे मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टेंस की एस्टिमेशन कर लेना, कि मेरे को आने वाले दिनों में प्लानिंग कर लेना, प्लान करना। आप बताइए जी, प्लानिंग करने का मतलब क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, इन एडवांस में ही पता लगा लेना। समझदार व्यक्ति तो वो होता है कि दिसंबर में कितने पेपर देने, कितने ग्रुप्स देने, कोचिंग कहां से लेनी है, पढ़ना कैसे है, स्टडी से क्या करना है, नोट्स किसके अच्छे हैं। आप सारा जुगाड़ कर चुके हो तब यहां पर आए हो। आप जितने चेहरे से बोले दिखते हो नहीं उतने। आपने पता नहीं कितनों से पूछा हो तब यहां से ज्वाइन किया है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, मैं जानता हूं। चलिए कोई बात ही नहीं है। आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल जरूर माइंड में सोचा होगा। तो मुझे यह देखना है कि मैं जिस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हूं, मैं डाबर का हूं, लो डाबर का मुझे चमन प्राश बनाना है, लो चमन प्राश बनाने के लिए मुझे देखना है कि मुझे रॉ मटेरियल कितने चाहिए, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखनी है, फिर उसके बाद मेरे को उसमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट देखनी है, फैक्ट्री के फैक्ट्री में मशीनरी की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट देखनी है। तो इन सभी चीजों को पहले से ही हम एस्टिमेट कर लेते हैं, और उसी का नाम है ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। अगर आप ये पहले से एस्टिमेट नहीं करेंगे तो आपकी जो कंपनी है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकती। आप जब घर से भी निकलते हैं तो वर्किंग कैपिटल आप एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं कि आज कितने पैसे चाहिए, आप अपनी पॉकेट में चेक करते हैं। ऐसा नहीं है जो भी हुआ आया देखी जाएगी, ऐसा नहीं करते। आप पॉकेट चेक करते हैं रोज सुबह, अगर पहले से पड़े हुए हैं और नहीं चाहिए तो चले जाते हैं, और नहीं तो पैसे कुछ और डालते हैं फिर जाते हैं। बोलिए ऐसा करते हैं नहीं करते। इसका मतलब आप ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। आप सभी सभी के सभी, मैं आज आपको यही कहने जा रहा हूं कि आप सभी ऑप्टिमम निकालने के लिए कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैंने पहला फैक्टर बताया था नेचर ऑफ बिजनेस। पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट फैक्टर डिस्कस किया था नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस नेचर में, वो बड़ा मैटर करता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, आप सर्विस कंपनी है, आप जॉब कंपनी है, आप बैच कंपनी है, आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये मैटर करेगा आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था अपोलो टायर्स, सीए टायर्स, एमआरएफ टायर्स। अब ये सारी कंपनियां टायर बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, फिर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। उसके बड़े सारे दूसरे फैक्टर्स मैंने बताने की कोशिश की थी। एक बताया था मैनेजमेंट की थिंकिंग कैसी है। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं फैमिली से बन जाती है। हमारे माता पिता किस तरह के हैं, क्लोज थिंकर हैं, मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं को देखते रहते हैं। और कहते हैं जब हम बचपन से उनको देखते हैं, जब बहुत छोटे थे, दो तीन महीने एक महीने के थे, हम बोल भी नहीं पाते थे, खाली उनको ध्यान से देखते थे, अपने माता पिता को, वो जिस तरह से बोल रहे उन्हीं को देखते थे। आपको मालूम है हम जो चीज ध्यान से देखते हैं वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। आप बताइए एक फिरंगी का जो बच्चा है एक महीने का, वो अपने माता पिता को देख रहा है अंग्रेजी में बोल रहे हैं। एक मद्रासी का बच्चा है, वो भी एक महीने का है, स्कूल नहीं गया अभी, वो भी अपने माता पिता को देख रहा है, वो मद्रासी सुन रहा है। तीन चार पांच महीने के बाद, अभी प्रिपरेटरी स्कूल में भी नहीं गए, बताइए स्कूल से जाने से पहले भी इनको बोलना आ गया हो या नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, मम्मा पापा कुछ तो बोलते होंगे। बताइए जो फिरंगी का बच्चा है, जब वो मम्मा पापा बोलता होगा तो फिरंगी इंग्लिश में बोलता होगा, और जो मद्रासी का बच्चा किस में बोलता होगा, उसी भाषा में बोलता हो, मलयालम।
इसका मतलब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो हमारे अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मैक्स मुलर माइक्रो मस्कुलर मूवमेंट्स। आपको जो चीज चाहिए आप इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं अगर आप उस चीज को देखते हुए इंटेंशन सेट कर दें, सबकॉन्शियस माइंड को कह दें कि मैं ये चीज इसलिए देख रहा हूं कि मुझे ये क्वालिटीज चाहिए। आप लता मंगेशकर से ज्यादा अच्छा गा सकते हो और सारी लता मंगेशकर की क्वालिटी आ सकती है आपके अंदर। वो बातें दूर की है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको मैंने कहा दूसरा फैक्टर है मैनेजमेंट थिंकिंग। आप बताइए मैनेजमेंट थिंकिंग तीन तरह की होती है, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप मोस्ट लाइकली हो सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, और आपके जो दोस्त है ना वो भी आप जैसे ही है। चक्कर तो ये इस दुनिया में जो मैग्नेट है ना हम उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं हमारे जैसे लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी कंजर्वेटिव और आपके दोस्तों की एग्रेसिव है। इसका मतलब आप जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल की उसका भी तो असर होगा वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करने में। हाँ या ना तो बोल दो। ऐसे बैठे जैसे पता नहीं मैं जर्मन लैंग्वेज बोलता जा रहा हूं, चुपचाप बैठ के बस देखते जा रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं तीसरी चीज बताई थी ऑपरेटिंग साइकिल, बस यहीं से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल का दूसरा नाम है कन्वर्जन साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का दूसरा नाम है कन्वर्जन साइकिल। मैंने कहा था जी ये दुनिया गोल है, गोल ही तो है, अर्थ तो गोल है। हुआ क्या कि आप जो मैं ये बात कहूं कि पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर WIP आता है, फिर फिनिश गुड्स बनते हैं, फिर डेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैश स्टार्टिंग में भी था। तो ये जो साइकिल है ना जी किसी भी कंपनी की, इसी का तो नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। मैं कहता हूं पिज्जा हट आज वेडनेसडे है, पिज्जा हट वालों की ना वेडनेसडे को ना स्कीम होती है पिज्जा की, एक पिज्जा ले दूसरा फ्री, दूसरा फ्री। लेकिन ये सुबह सुबह पिज्जा बेस लाते होंगे, शाम को बेच बाज के साइड में होते होंगे। आप बताइए मारुति सुजुकी जब एक गाड़ी बनाती होगी तो एक महीना लग जाता, मैं मानकर चलता हूं इनको एक दिन लगता है। तो मुझे एक बात बतानी है आपने कि वर्किंग कैपिटल किसकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती होगी, मारुति सुजुकी की या पिज्जा हट की। इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है आप कितने समय में वो सारी साइकिल्स को क्लियर कर देते हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस दुनिया में अगर एस्टिमेशन करनी हो वर्किंग कैपिटल की तो तीन स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर एक, आपको कॉस्ट शीट बनानी चाहिए, आनी भी चाहिए बनानी भी चाहिए। अच्छा पेपर में नहीं कहेंगे कॉस्ट शीट बनानी है, लेकिन आपको बनानी इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप स्टेप नंबर टू कर रहे होंगे और ये मेन सॉल्यूशन होगी और ये वर्किंग नोट होगा, कॉस्ट शीट वर्किंग नोट है, पेपर में नहीं कहेंगे लेकिन पहले बनानी पड़ेगी। और वर्किंग नोट वन के बाद आपको मेन सॉल्यूशन करनी है और वो स्टेप नंबर टू है। वो स्टेप नंबर टू क्या है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसमें करंट एसेट्स लिखने, और करंट एसेट्स में अगर आपने ध्यान से देखा हो पिछली क्लास में लिखा था आपने फंड्स ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स। मैंने लिखा था ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, मतलब मेरे कितने पैसे करंट एसेट्स में ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर समय कच्चा सामान पड़ा होना चाहिए, तो मेरे कुछ पैसे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो हमेशा कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा, तो मेरे कुछ पैसे वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टेड रहेंगे, कुछ पैसे कुछ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स का होगा, और यहां पर मैंने लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, और लास्ट में लिखा था कैश एंड अदर करंट एसेट्स। इनको जमा कर देंगे अगर हम तो एक ड्रामा आएगा, इसका नाम है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये सब बता चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसके बाद कहा था कि आप करंट लायबिलिटीज लिख दें, और करंट लायबिलिटीज में मैंने कहा था आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखें, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स लिखें, आउटस्टैंडिंग जो भी कुछ है लिख दें, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। फिर मैंने कहा था नेट वर्किंग कैपिटल लिखें, NWC।
लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप समझ लीजिए आज के लेक्चर का दिल है, बस इसके बाद तो एक मिनट के बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, देख गिन के एक मिनट के बाद शुरू कर दो। अब जो बताने जा रहा हूं वो दिल है, मैं ये कहने जा रहा हूं कि आपको कभी भी वर्किंग कैपिटल अगर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है तो मुझे ना आपको ना कुछ ना रेशियोज देनी पड़ेगी। जैसे आपने ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा था रेशियो एनालिसिस, उसमें ना करंट रेशियो होती थी मान लो, तो आप क्या करते थे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके कुछ ना कुछ फिगर्स यूज करके आप फिगरें निकालते रहते थे और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बना देते थे। एक बच्चा सोच रहा है ऐसा करता भी वो चैप्टर वो शायद छोड़ के गया हो, छोड़ना नहीं होता वो चैप्टर, आप सबने किया रेशियो, हाँ रेशियो गड्डी भी है, उसमें ना ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी था। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको मैं अगर कोई रेशियो दे दूं और आपको जब तक उसका फॉर्मूला नहीं पता उसका मीनिंग नहीं पता आप बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप बताओ जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में उसकी मोहब्बत किसके साथ है, ग्रॉस प्रॉफिट की मोहब्बत किसके साथ है, सेल्स के साथ। अगर आपको यह पता नहीं होगा तो काम खराब है। मैं अब आपको क्या करूंगा पांच रेशियोज देने वाला हूं, पांच पांच ही दूंगा जी। किसी सरदार के जलूस में देख ले पांच प्यारे होते हैं, पंच प्यारे, तो पांच दे रहा हूं जी मैं आज आपको। मैं कहता हूं मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि मेरे को कम से कम कितना रॉ मटेरियल हमेशा पड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको एक स्टेज दूंगा रॉ मटेरियल की, अब इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। मैंने कहा रॉ मटेरियल स्टेज 2 months है, तो मैंने लास्ट क्लास में 2 मतलब लिखवाकर छोड़ दिए थे, एक्चुअली लिखवाने सारे थे, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं चक्कर के सारे लिख रहे हैं कहेंगे पता नहीं लिखते रहते हैं, तो मैंने 2 लिखकर छोड़ दिए थे, और भी लिखवा रहा नहीं जी नहीं। आप मुझे इतना बता दीजिए रॉ मटेरियल स्टेज 2 महीने का मतलब, कोई बच्चा बताना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई ये मतलब तो चलो समझ आया पिछली क्लास में, चलो ये तो समझ आया रॉ मटेरियल स्टेज 2 months का मीनिंग क्या समझ आया। एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बताइए साहब आप बताइए। बहुत बढ़िया, ए हम एक साल में जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, हम एक साल में जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, मान लेते हैं जितने लाख का भी कंज्यूम करते हैं, मान लेते हैं 12 लाख का कंज्यूम करते हैं, अगर 12 महीने में 12 लाख का कंजम्पशन करते हैं तो कम से कम मेरे पास हर समय रॉ मटेरियल पहले से ही 2 महीने का पड़ा होना चाहिए। आप बताइए हल्दीराम ने पहले से ही दही खरीद के रखा हुआ या नहीं खरीद के रखा हुआ, मतलब आज का तो खरीद लिया हुआ, 1 महीने के पहले तो वैसे भी दही नहीं खरीद कर सकते खराब हो जाएगा भाई। उसने एक एस्टिमेशन किया होगा ना कि भाई एक हफ्ते पहले का मैं अगर खरीद के रख लूं तो खराब होता होगा, तो फिर उसने 5 दिन कर दिए होंगे 3 दिन कर दिए होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं उसने उसकी जितनी भी कंजम्पशन होती होगी उसके हिसाब से उसने पहले से ही रॉ मटेरियल खरीदा होगा या नहीं खरीदा होगा। अच्छा अगर नहीं खरीदेगा तो उसकी ना स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होने वाली, ना ना स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, नहीं नहीं कभी नहीं। आप कई बार टेबल में बैठते हो पढ़ने के लिए, आपको कभी कोई रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी ये नहीं मिलता, आपका मूड खराब हो जाता और पढ़ते भी नहीं हो, आप नहीं पढ़ते जाओ मूड खराब हो, और मान लो अगले दिन पेपर हो, इसका मतलब आपके पास सारी चीजें टेबल में पड़ी होनी चाहिए तब जाकर स्मूथ फंक्शनिंग होगी। तो 2 महीने का मतलब मेरे दोस्त ने बताया, आपने लिखा भी है, एक बार निकालिए उस पेज को जो आपने लास्ट कंसेप्ट लिखा था रॉ मटेरियल स्टेज, बस इसके बाद हम आगे चलेंगे। आपने लिखा था रॉ मटेरियल स्टेज के बारे में और आपने एक स्टेज और लिख दी थी, उसका नाम था WIP स्टेज। ऐसी 5 स्टेजेस मैं दूंगा आपको, तो जरा बताइए रॉ मटेरियल स्टेज के बारे में क्या लिखा था आपने, जरा पढ़िए पढ़िए सभी बच्चे पढ़िए, मुंह से बोलिए तेज तेज आवाज मुझे सुनाई देना चाहिए, क्या लिखा था पढ़िए। अब देखो एक दो बच्चे पढ़े, सभी ने पढ़ना है, सभी ने पढ़ना है, सारे बच्चे पढ़ेंगे, क्या मतलब है पढ़ो। ऑलवेज बी इक्वल टू,
अब वन मंथ की जगह टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है। वन मंथ का मैंने मतलब समझाया था कि आपके पास हर समय एक महीने के बराबर का रॉ मटेरियल होना चाहिए अगर आप अपना काम सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो, और उसको खरीदने के लिए आपको रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए हमें कितनी एस्टिमेशन करनी है वो बता रहा हूं, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। चलिए दूसरा WIP स्टेज पढ़ेंगे। क्या बताया था ये WIP स्टेज में कि आप जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज कितना समय लग जाता है, क्योंकि जितना समय ज्यादा लगेगा आपकी उतनी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज होती कहां है, मैंने कहा था फैक्ट्री में होती है। अच्छा फैक्ट्री में कौन सी कॉस्ट होती है, मैंने कहा था जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होती है। अच्छा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आते हैं, डायरेक्ट लेबर आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। अच्छा ये सारी चीजें मिलती कहां है, कॉस्ट शीट में मिलती है। इसलिए कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको यहां लिख दूं सचिन तेंदुलकर, आप बताइए तो उसकी रिलेशनशिप क्या लिखेंगे आप। मैंने यहां लिखा सचिन तेंदुलकर रेशो, तो रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे क्रिकेट। मैं लिखूं कैटरीना कैफ रेशो में, तो बताइए रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, बोल ही नहीं रहे। मैं लिखूंगा रणबीर कपूर रिलेशनशिप में। मैं कह रहा हूं मैं यहां लिखूं WIP स्टेज रेशो में, तो उसकी मोहब्बत लिखनी है ना, यहां पर मोहब्बतें लिखनी है। बताइए WIP कहां होती है, जैसे इसकी आपने लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका क्या लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। WIP कहां होती है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में कॉस्ट कौन सी होती है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद मैंने तीसरी स्टेज दी थी फिनिश गुड स्टेज, फिर दी थी डेटर्स स्टेज या डेटर्स ऑपरेटिंग साइकिल, कुछ भी कह दीजिए भाई और बहनों, फिर लास्ट दी थी क्रेडिटर स्टेज और ऑपरेटिंग साइकिल। अब बताइए इसका आंख मटक्का किसके साथ है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट शीट में घूम रही है सारी हीरोइने, मान लो ये हीरो हैं, ये सारे हीरो हैं, इनकी हीरोइने कहीं घूम रही है तो सारी घूम कर रही है कॉस्ट शीट के अंदर। अब आपने देखना है कौन से हीरो की कौन सी हीरोइन कहां घूम रही है, और क्योंकि वो हीरोइने कॉस्ट शीट में घूमती हैं इसलिए कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है, समझ आ गया। अब बताइए फिनिश गुड्स की हीरोइन कौन सी है, मैं कहता हूं जी इसकी हीरोइन का नाम है टोटल कॉस्ट ऑफ, डेटर्स की हीरोइन कौन है, क्रेडिट सेल्स है। बताइए जी क्रेडिटर्स का ढाई अक्षर किसके साथ है, ढाई अक्षर प्रेम के किसके साथ है जी, क्रेडिट परचेजेस के साथ। तो ये पांच चीजें बड़ी सिंपल सी है जी, रटना कुछ नहीं, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं, रट्टू भी कुछ नहीं करना, लॉजिक समझ रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, फिर करते कैसे हैं, मैं क्वेश्चंस कराई दूंगा, बस वैसे ही करने पेपर में हो जाना है, रटना वटना कुछ नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1, जो बच्चे आज आए बड़े ध्यान से बैठेंगे, बुक अगर आपके पास नहीं है तो बुक ले लेंगे और नहीं तो बुक शेयर कर लेंगे, लेकिन बैठेंगे ईमानदारी से, इस बात का दावा है कि अगर आप ईमानदारी से बैठोगे तो समझ आ जाएगा। सुष्मिता सेन लिमिटेड, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्स टू सेल 30,000 यूनिट्स, कंसेप्ट 1-11 यहां शुरू कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज एज फॉलोस, रॉ मटेरियल, एक कंपनी 30,000 यूनिट बनाना चाहती है और वो प्लान कर रही है कि इसको बनाने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है जब वो एक यूनिट बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा 100 रुपए का है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा 30 रुपए का है, सेलिंग का खर्चा 20 रुपए का है, और बेचते कितने में, 200 रुपए में, बाकी प्रॉफिट होगा।
द ड्यूरेशन एट वेरियस स्टेजेस, हाईलाइट कर दीजिए स्टेजेस। स्टेज का मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल, रेशो भी कह सकते हैं। जैसे पहली स्टेज दी है रॉ मटेरियल स्टेज 2 मंथ्स, अभी अभी बताया था रॉ मटेरियल स्टेज का मतलब क्या। फिर दूसरी स्टेज दी है WIP स्टेज, फिर फिनिश गुड स्टेज, फिर डेटर स्टेज वगैरह 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 वगैरह। पीछे अज्यूम मंथली सेल्स ऑफ 2500 यूनिट्स, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स। अभी आप सबने कसम खानी है मेरे सामने, चाहे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछे या नेट वर्किंग कैपिटल पूछे, आप सबको एक कसम खानी है, आपको कसम ये खानी है कि कहा जाए या ना कहा जाए, वर्किंग नोट में आपने पहले कॉस्ट शीट बनानी है, मदर एंट्री बनानी है, मदर शीट बनानी है, क्योंकि उस मदर शीट से सब काम होने वाले हैं। तो चलिए, आप क्या कसम खाएंगे अभी मेरे सामने? हाथ ऊपर करिए प्लीज, सभी हाथ ऊपर कर देंगे, मैं भी हाथ ऊपर कर रहा हूं, और जो मेरे को दूर दराज देख रहे हैं वो भी हाथ ऊपर करेंगे। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलना है, हाथ पूरा ऊपर होता है ऐसे। मैंने कहा पास हुए, आप आधे हुए, कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट नहीं आती, या पास या फेल। चलिए, मैं कसम खाता हूं, हाँ फीमेल से बोला खाती हूं, वो पता आपको क्या बोलना है। हाँ, मैं कसम खाता हूं कि मैं वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करने से पहले कॉस्ट शीट जरूर बनाऊंगा, कहा जाए तब भी, नहीं कहा जाए तब भी, वर्किंग नोट में बनाऊंगी तभी नंबर आएंगे। नीचे कर, अब आपने कसम खा ली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अब आपने मेन सॉल्यूशन छोड़ देनी है, मेन सॉल्यूशन का मतलब है एक पेज छोड़ देना है। आपके घर में कोई आए तो आप उसको वॉशरूम में थोड़ी बिठाते हो, आप उसको रिसेप्शन में पहले अपने ड्रॉइंग एरिया में बिठाते हो। अब आप क्या करते हो, जो नंबर नहीं आए आप करते हो क्वेश्चन वन वर्किंग नोट वन ले, तो आपने मेन सॉल्यूशन पहले लिखनी है। हाँ, उसको उसके बाद फीलिंग हो रही हो वॉशरूम का रास्ता दिखा दो, लेकिन पहले तो भैया मेन सॉल्यूशन होती है। एक पेज छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया, आइए लिखे वर्किंग नोट वन। एक पेज छोड़ने के बाद हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ ऑफ सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। अच्छा, कॉस्ट शीट जो है किसी पीरियड की बनाई जाती है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग मैंने आपको कुछ बातें पिछली क्लास की कुछ पॉइंट्स में लिखवाई थी, उसमें बताया था पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। जरा एक बार वो वाला कंसेप्ट खोल लें, कौन सा नंबर था जरा बताएं। हाँ, एक बार सभी बच्चे कंसेप्ट नंबर 10 को खोलें, उसमें मैंने लिखवाया था पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। जरा खोल लीजिए प्लीज, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड खोल लीजिए। जरा पहला पॉइंट पढ़िए आप प्लीज, पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट पहला पढ़ लीजिए, पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। मैंने उसमें एक बात लिखी है, मैंने ये लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर आपको ना दिया जाए, क्योंकि कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट में तो स्टार्टिंग कहां से होती है, पिछले ईयर का सामान कितना कच्चा, इस बार कितना खरीदा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया ही था मैंने लास्ट क्लास में। तो आप क्या मानेंगे कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं मानूंगा रॉ मेटेरियल परचेजेस और रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड भी सेम है। बोलो हाँ या ना, तो बोलो ठीक है। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अगर ना दिया जाए तो आप क्या मानेंगे, सेम है। वो बातें सब बताई हुई है मैंने, आइए लिखते हैं वर्किंग नोट में। पहली चीज शुरू कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
कैलकुलेटर बाहर होना चाहिए, मैं भी चेक कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। 30,000 यूनिट्स 100 रुपए के हिसाब से 30,00,000। मैंने ये कंज्यूम्ड ही मान लिया है, यही परचेजेस है यही कंज्यूम्ड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मुझे अलग अलग नहीं दिया। प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सब करेंगे जी, जो इस समय मेरे सामने नहीं बैठे वो भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, कुछ करने से ही कुछ मिलता है, खाली ऐसे कभी कुछ मिला नहीं किसी को, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। मैंने रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड लिख दिया 30,00,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दिया 30,000 × 30 9,00,000। अब डायरेक्ट लेबर है नहीं, वही बात नहीं, मैंने इसी को कह दिया कि क्या तुम ही मेरी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। मैंने कहा जी, मैंने कहा प्राइम कॉस्ट 39,00,000 है, 39,39,39,39। मैं 39 से शुरू कर रहा हूं, अगले पेज में आ गया, आप तो उसी पेज में रहेंगे। प्लस करूंगा मैं यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में अब जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री ओवरहेड दिए भी जाएं। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन ही नहीं है, तो मैंने डैश कर दिया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 39,39,00,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 39,00,000। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया कि अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ना दिया जाए तो फिर आप मानेंगे कि दोनों सेम है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए सभी ने बनानी है जी कॉलशीट, आप जरूर चेक करें कि आपका पड़ोसी बना रहा नहीं बना रहा, नहीं बना रहा तो उसको हाथ मार के बनाए भैया कॉलशीट बना, दूसरों का भला सोचेंगे तो आपका भला होने वाला है, ये सोच लीजिएगा। 39,00,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। मैंने ना 11th क्लास में ना मेरी मैडम ने ना एक बात सिखाई थी, मुझे आज भी याद है, मैडम कहती थी कि जब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो मैडम ने कहा था अगर खाली वेजेस आए, वेजेस तो वेजेस कहां पे डेबिट करते हैं, और अगर खाली सैलरीज आए तो कहां डेबिट करते हैं। फिर एक दिन के बाद मैडम ने कहा कि अगर खाली वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा ही आ जाए तो कहां डेबिट करेंगे। अच्छा, फिर मैडम ने अगले दिन कहा तू सैलरीज एंड वेजेस आ जाए तो कहां डेबिट करेंगे। मैं बड़ा हैरान हो गया, कभी ये यहां करेंगे कभी ये यहां करेंगे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज और वेजेस में डिफरेंस क्या है। इसको ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे ठीक है, और उसको प्रॉफिट लॉस में करेंगे ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखता है दोनों में। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये बहुत बढ़िया ठीक है, ऑल गुड आंसर। आप किसी भी अकाउंट का नाम कैसे रखते हो, मैं कहता हूं मैंने नाम रखा वेजेस एंड सैलरी अकाउंट, तो नाम रखने के पीछे कुछ ना कुछ तो और लॉजिक भी होगा ना। हाँ आप बताएं, ठीक है हाँ, ये तो ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है तो यहां डाला है और ये मैन्युफैक्चरिंग है तो यहां डाला है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं खाली पूछ रहा हूं कि किसी का नाम मैं कभी वेजेस एंड सैलरीज कर देता हूं, कभी सैलरीज एंड वेजेस कर देता हूं, इसके पीछे एक और लॉजिक है। अगर वेजेस का कॉम्पोजिशन ज्यादा है ना, तो आप उसको प्रोमिनेंट रूप में दिखाओगे और अकाउंट का नाम शुरू करोगे वेजेस से, और अगर वेजेस बहुत कम है ना और उसका अकाउंट भी बनाना चाहते हैं आप, खाली हल्का सा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो ये भी है, तो फिर आप वेजेस को बाद में दिखाओगे। तो जैसे मैं लिखता हूं वेजेस एंड सैलरीज, तो बताइए किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा हुआ, और अगर मैंने लिखा सैलरीज एंड वेजेस तो किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा हुआ,
अच्छा मैं आप कहता हूं फैक्ट्री एंड ऑफिस, बताइए जी किसको कंपोजिशन ज्यादा हुआ, तो कहां पे डेबिट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में या ऑफिस ओवरहेड्स में? अच्छा अब मैं कहता हूं सेलिंग एंड ऑफिस ओवरहेड्स, बताओ आप कहां डेबिट करोगे? आप बात समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पढ़िए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया हुआ सेलिंग कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव, बताइए इसको सेलिंग ओवरहेड में लेना चाहिए या ऑफिस ओवरहेड में लेना चाहिए? ठीक, आप ठीक समझे, आप ठीक समझे, आप ठीक समझे, मैंने लिख दिया ऑफिस ओवरहेड्स निल, मतलब ऑफिस के बहुत कम पार्ट होंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 39 लाख, अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिए हुए, तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही सोल्ड है? जय माता दी, तुम्हें वो माता च पिता तमेव, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें वो द्रविड़म तुम ही धन हो, तुम्हें वो विद्या तुम ही विद्या हो, सब कुछ तो तुम ही हो, तो मैंने कहा तू ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और तू ही टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, चलिए प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 6 लाख, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 6 लाख, 6 लाख देख लीजिए कहां से आया, उसमें जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव भी है लेकिन मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और सेकंड आइटम में है, इसका मतलब बहुत कम होंगे, तो चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए, सेल्स बताइए, प्रॉफिट बताइए, अपनी कसम को पूरी कर दिया आपने, सेल्स 60 लाख है, प्रॉफिट 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 बता सकते हैं प्रॉफिट कितना है? 15 लाख, और सेल्स कितनी है? 60 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 45 लाख, ये मैंने एक एंसिलरी शीट बना दी, आप सब बना ले, 60 में से 45 चला गया तो 15 लाख का प्रॉफिट आ गया, कमर सीधी रखेंगे जी, बिल्कुल अब काम शुरू होने वाला है, कॉस्ट शीट सबने बना ली है, अब मैं चल रहा हूं आगे, मेन सॉल्यूशन की जगह छोड़ दी थी आपने, मैं मेन सॉल्यूशन में आ गया, स्टेटमेंट शोइंग नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट एसेट्स, या मैं पूरा लिखूंगा फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, और यहां लिखूंगा करंट लायबिलिटीज, फिर मैं क्या करूंगा नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दूंगा, मेरे से इस क्वेश्चन में उन्होंने नेट वर्किंग कैपिटल नहीं पूछी, आप चेक कर लीजिए मेरे से क्या पूछा उन्होंने, फिर मेरा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाएगा, आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, मेरा क्वेश्चन फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये करने के लिए मुझे मुझे साइकिल्स चाहिए, साइकिल्स चाहिए, देखिए जरा पहली साइकिल दी हुई है रॉ मटेरियल स्टेज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स रॉ मटेरियल स्टेज, वर्किंग नोट 2 मैंने लिख दिया, रॉ मटेरियल स्टेज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, अब मेरा गला दर्द हो चुका, बहुत बार बोल दिया 2 महीने का मतलब क्या, ठीक है मैं आगे चल रहा हूं, 2 मंथ्स का मतलब आप समझ चुके हैं, तो बताइए जी मैं आपसे कहूं 2 मंथ्स कि मेरे को 2 महीने के बराबर का स्टॉक पता होना चाहिए, तो 12 महीने में कितनी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन करते हैं जरा बताना, कॉस्ट शीट कहां गई, हां जी 12 महीने में आप 30 लाख रुपए की कंजम्पशन करते हैं, ये बात ठीक है या नहीं,
देखो हाँ या ना तो बोलना पड़ता है, ऐसे चुपचाप बैठेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ जरूर बोलना, नहीं तो मेरा एनर्जी मजा नहीं आएगा। आप बताइए 30 लाख रुपए की कंजम्पशन है या नहीं, कितने महीने की है, कैसे पता चला भाई कॉस्ट बनती 12 महीने की, मैंने बनाई 12 महीने की, ठीक है। तो चलिए अगर 12 महीने में मैंने 30 लाख रुपए की कंजम्पशन की है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 महीने में मैंने कितने लाख की कंजम्पशन की होगी, 2/12 × 30 लाख इज इक्वल टू 5 लाख लिख सकता हूं या नहीं। 5 लाख का मतलब क्या है अभी देखेंगे, पहले बताइए इसका वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे लिख सकते, मैंने जान के बनाया कि पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। इसका मतलब है ₹5 लाख विल बी रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, 2 महीने का जो स्टॉक हमेशा पड़ा रहेगा, हमेशा पुराना खत्म हो जाएगा नया आ जाएगा, पुराना खत्म नया, पुराना खत्म, पुराना दूध खत्म हो जाता है आपके घर में, नया दूध आता है, फिर पुराना खत्म हो जाता है नया दूध आता है, लेकिन हर समय दूध तो आएगा 365 दिन, वो बात अलग है, पुराना चला गया नया आ गया, पुराना चला गया नया दूध आ गया, पुराना गया नया आ गया, लेकिन दूध में इन्वेस्टमेंट तो है ना आप लोगों की। उसी तरह से मेरी यहां पर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जी, 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए ये लीजिए लीजिए। मैंने पहले ही साइकिल का इस्तेमाल कर दिया, एक एक साइकिल पढ़ूंगा आप उसके बेसिस में काम करना शुरू करेंगे। तो मैं दूसरी साइकिल में ये लिख रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, क्या चेक तो कर लो भाई साहब, लिख नहीं रहे तो कोई बात नहीं, देख तो लो कितनी साइकिल लिखी है। मैं कहता हूं कि आपकी सीएस बनने में 3 साल की WIP है, क्या समझ आता है आपको, मैं आपको कहता हूं ये 3 साल WIP है आपकी सीएस में, 3 साल का टाइम लगेगा, इसका मतलब इस 3 साल में मेहनत भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ेगी, फीस ट्यूशन की भी देनी पड़ेगी, सब कुछ ही करना पड़ेगा, मन नहीं भी होगा तब भी करना पड़ेगा, मन हू करे घबराए, कई बार तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि लाइफ कैसी बीत जाएगी, क्या जीवन ऐसी है, क्या यही है जीवन, 4 बातें यहां की सुनो, 4 बातें वहां की सुनो, 4 बातें वहां की सुनो, फिर पेपर दे के आ जाओ, कितनी बार तो आपने नया साल तक नहीं मनाया क्योंकि पेपर होते हैं, क्या जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी, आपके मन में बड़े सारे विचार आते हैं, मेरे मन में भी आते थे, लेकिन उन विचारों को जो ध्यान से मेहनत कर लेता है, उन विचारों को थोड़ा सा दबाकर लाइफ में उसको सक्सेस मिल जाती, फिर हर रोज दिवाली है। मैं जब सीए के पेपर देता था तो नवंबर में होते थे, मैंने सीएस में और ICWA में कोई एग्जेम्पशन नहीं ली, मुझे था मैं जल्दी जल्दी कर डालूं सब कुछ, एग्जेम्पशन तो मिलती है जब सीएस के बाद आप ICWA करो तो, या ICWA के बाद सीएस करो तो, और लगभग सीएस के और ICWA के पेपर भी ना लगभग कॉमन दिनों में ही होते हैं, 1-2 दिन का डिफरेंस होता है या मैक्सिमम 2-3 दिन का होता हुआ। अब आप सोच लीजिए नवंबर में पेपर सीए के खत्म हुए, 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद सीएस के शुरू हो जाएंगे, और सीएस के खत्म होंगे तो ICWA के शुरू हो जाएंगे। अगर मैं उन दिनों में ध्यान ऐसे देता कि मैं भी घूमूंगा, मैं भी जाऊंगा, मन तो सभी का करता है, किसका नहीं करता, आप समझ रहे हैं ना, कुछ बातें मैं बता नहीं पा रहा, समझ तो रहे, लेकिन मैंने उन दिनों में ध्यान दिया, सीएस के पेपर भी दिए, ICWA के भी दिए, लगातार देता रहा, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार पास हुआ, मैं हर बार पास भी नहीं हुआ। कहते इंसान इंटेलिजेंट ज्यादा कामयाब नहीं होता, जो इंसान मेहनती होता ना वो कामयाब ही हो जाता, भगवान ये नहीं कहता तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तभी कुछ करूंगा। आज आप सीएस प्रोफेशन में पहुंचे तो आप इंटेलिजेंट थोड़ी हैं, होंगे बट इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आए यहां पर, आप प्रोफेशनल में इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आए, ये आप भी जानते हो, लॉस पढ़े,
पुराने पेपर्स देखे, ध्यान से सेक्शंस को देखा, पास हो गए। कोई इंटेलिजेंस थोड़ी थी उसकी वजह से थोड़ी पास हुए, वो तो साइंस के बच्चे होते हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह ही नहीं रहा आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, आप गलत मत लेना। बिल्कुल उसी तरह से अगर जो इंसान लगा रहता ना जी, उसको 100% सक्सेस मिलती है। आप बताइए यहां पे WIP कितना पीरियड है, यहां पे कितना पीरियड है जी WIP का, WIP का यहां पे पीरियड कितना है? अच्छा WIP होती कहां पर है? फैक्ट्री में। अच्छा फैक्ट्री में ना, फैक्ट्री में होती है, और फैक्ट्री में कौन सी कॉस्ट होती है? फैक्ट्री कॉस्ट होती है। अच्छा फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है? इसमें क्या क्या सामान आता होगा? एक तो मटेरियल आता होगा, एक लेबर होती होगी, एक एक्सपेंसेस होते होंगे, और एक क्या होते होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा मैं आपको कहूं कि मेरा अभी काम आधा 80% हुआ है, तो आप क्या समझेंगे? कि अभी 80% हो गए, 20% होना। लेकिन फाइनेंस मैनेजर के लिए कुछ अलग चीज है ये। आपको मालूम है जब भी कोई भी भटूरे बनाता है या कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो सबसे पहले क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीद ही लेता है। सबसे पहले तो मटेरियल खरीदा जाता है। आपके घर में भी सबसे पहले सब्जियां आती है, मान लेते हैं मेहमान आने वाले, पहले सब्जियां खरीदते हैं। सब्जियां ना आप 2-3 दिन की इकट्ठी खरीद लेते हो। अच्छा कभी बिल्डिंग बनते हुए देखिए आपने, बिल्डिंग में क्या होता है? पहले रॉ मटेरियल आ जाता है ना, फर्स्ट फ्लोर का भी इकट्ठी आ जाओ, चलो बन थोड़ी जाएगा फर्स्ट फ्लोर, पहले लेंटर डलेगा, फिर दीवारें बनेंगी, फिर चुनाई होगी, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा। तो आप ये बताइए, आपको जब मैं कहूंगा WIP, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो आप लिख चुके हैं, क्या आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है, कितने प्रतिशत काम हो गया है। अब आप यहां सब बैठे हैं, किसी का एक ही ग्रुप रहता है प्रोफेशनल का, किसी के सारे रहते हैं, किसी के 2 पेपर रहते हैं, लेकिन आप सब WIP बैठे मेरे सामने। इसी तरह से अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फाइनेंस मैनेजर ये कहता है कि भैया आप सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि इसमें रॉ मटेरियल का काम कितना हो गया, डायरेक्ट लेबर का काम कितना हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्योंकि इसका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से लगेगी। अच्छा अगर आपको डिग्री ना दी जाए तो आप इसको तो हमेशा क्या मानेंगे? आप मानेंगे कि आपने मटेरियल तो खरीद ही लिया है। आप बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? और बाकी चीजें मानेंगे अभी ऑन एन एवरेज बनी है। अच्छा एवरेज कैसे होती है? एवरेज होती है बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बताना जरा, बिगिनिंग तो 0% थी, एंड 100% थी, अपॉन 2 करो तो 50% आता है। आप ये पॉइंट लिख चुके, जरा देखना कंसेप्ट नंबर 10 में आपने लिखा था, इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट गिवन, लेक्चर 1 में लिखा, देन अज्यूम। क्या अज्यूम करेंगे? कि रॉ मटेरियल इज 100% कंप्लीटेड एंड लेबर एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट इज 50%। तो जो बच्चे नहीं आए थे वो लिख लें, वैसे तो मैं लिखवा चुका हूं। सिंपल सी बात है, अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस की साइकिल चाहिए तो जहां पे लिखा हो 1 मंथ, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्किंग नोट 3 बना रहा हूं, आप सब मेरे साथ साथ बनाए। वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड विद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एंड ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जरा देखिए जी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने लाख की है? 39 लाख की है मेरे ख्याल से। इसमें एक तो रॉ मटेरियल है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, लेबर है ही नहीं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी नहीं है, खाली मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा ये 30 लाख रुपए के हैं और ये 9 लाख रुपए के हैं। अब एक बच्चा पता क्या सोच रहा है कि डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे इसको 1/12 से जैसे रॉ मेटल में किया था? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि ना तो वो 0% है और ना वो 100% है। आपको कुछ डिग्री माननी पड़ेगी। अगर डिग्री नहीं दी तो मटेरियल की 100% मानेंगे और बाकी सबकी। तो मैं
ये कह रहा हूं इनटू 100% अगर ये काम हो गया और ये 50% हो गया तो इनटू 1/12 इनटू 1/12 जरा करिए गुणा करिए और टोटल बताइए कितना आ गया 30,00,000 इंटू 100/100 इंटू 1/12 प्लस 9,00,000 इंटू 50/100 इंटू 1/12 अगर मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आधे हुए हैं तो मेरे को फंड्स भी तो आधे चाहिए बताइए कि टोटल कितना आ गया 2,87,500 की आवाज आ रही है कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए इसका मतलब कौन सा बच्चा समझाएगा कि 2,87,500 का मीनिंग क्या है पहले चेक करिए 287,500 आ रहा है अच्छा मैंने ना 15 मिनट का एक वीडियो बनाया है YouTube में डाल दिया आपको मैं लिंक दे दूंगा उसमें क्या लिखा मैंने कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता तो मैं उसमें बोलता जा रहा हूँ YouTube में डाला मैंने कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं मेमोरी फंक्शन कैसे यूज करते हैं मेमोरी रिकलेक्ट कैसे करते हैं मेमोरी क्लियर कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये सारा 15 मिनट में बोलता जा रहा हूं आप उस देख लेंगे क्या भेजू लिंक अच्छा वैसे अभी बता रहा हूं कैसे करेंगे 30,00,000 इंटू 100% इंटू 1/12 मेमोरी प्लस एम प्लस का बटन दबाइएंगे तो 2,50,000 आ रहा है 250 आ रहा है 250 मेमोरी प्लस का मतलब वहीं जाकर जमा हो गया टाइम कम लगेगा अच्छा कैपिटल बिल्डिंग में इसका बड़ा यूज करना है कैलकुलेटर का तो इसको बड़ी जल्दी जल्दी काम होगा आपकी उंगलियां चलेंगी टक 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 अगर आपको स्टेप्स बताओगे ठीक है उसके बाद क्या करना है 9,00,000 इंटू 50% भाग में 12 मेमोरी प्लस 37,500 आ गया अब आप आरएम का बटन दबाइए मेमोरी रिकोलेक्ट ये आ गया 2,87,500 देख लीजिए 2,87,500 आ भी गए तो आप कैलकुलेटर जब भी लेंगे वैसे मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में बताता हूं कि कैलकुलेटर क्यों लेना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लाइफ लाइन यही है ये और ये कैलकुलेटर भी वो लेना चाहिए जिसमें ग्रैंड टोटल का फंक्शन हो म्यूजिकल म्यूजिकल नहीं लेने तो इससे जल्दी काम होता है तो 2,87,500 मैंने लिख दिया ये लिख रहा हूं 287,500 तो लिखिए जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2,87,500 देखिए ढीले ढीले नहीं बैठना ढीले ढीले बैठेंगे आपका दुश्मन सिकंदर जिस देश में वार करने लड़ाई करने जाता था उससे पहले ना अपने अपने मुखबिर भेज देता था वो कहता देख क्या हो कि वहां के लोग सीधे होकर बैठते हैं या झुक के बैठते हैं बताओ इतनी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये आगे कामयाब होगा या नहीं और जो झुक के बैठता है वो तो पूरी जिंदगी झुका रहता है कर नहीं पाता कुछ लाइन तो स्ट्रेट होकर बैठना है स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए पता है हाथ लगा के बताओ स्पाइनल कॉर्ड पीठ सीधी होनी चाहिए आपकी चलिए नेक्स्ट स्टेज देखिए क्या है फिनिश गुड स्टेज पहले बताओ ये दो स्टेज समझ आ गई नेक्स्ट स्टेज है जी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का मतलब है जो सामान बन के तैयार हो गया आपकी ट्रेनिंग हो गई आपके पेपर क्लियर हो गए आपका सब कुछ क्लियर हो गया लो कोई ना कोई तो दिन होगा ना जिस दिन आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उस दिन आपको एसोसिएट नंबर मिल जाएगा आप मार्केट में ना बिकने के लिए तैयार हो जाओगे आपका नाम होगा फिनिश गुड्स अच्छा फिनिश गुड्स कौन से होते हैं जो 100% बन गए हैं कुछ रहा ही नहीं बाकी जी बस सारा पूरा हो गया WIP कौन से होते हैं जिसमें 0 से ज्यादा होता है 100 से कम होता है इसलिए वहां जुगाड़ करना पड़ता है अच्छा कच्चा सामान कौन सा होता है रॉ मटेरियल का जो 0% है जिसमें अभी कुछ हुआ ही नहीं तो डिग्री का एक ही जगह चक्कर पड़ता है WIP में क्योंकि ना तो 0% में पड़ता है और ना 100 में पड़ता है क्योंकि 100/100 तो वही हो जाता है मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छा फिनिश गुड्स का ढाई अक्षर किसके साथ है जी फिनिश गुड्स कहां पे होता है जी किसके साथ इसकी मोहब्बत कराएं बोलो ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होता है सेल से नहीं
अभी सामान बना है, बिका नहीं है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स अभी इनकर नहीं हुए। फिनिश गुड्स की मोहब्बत प्रोडक्शन से होती है, वो तो डेटर्स की मोहब्बत होती है उससे। चलिए बताइए, कॉस्ट शीट निकाल लीजिए अपने सामने, आप तो निकालते भी नहीं है ना कॉस्ट शीट। 39 लाख रुपीज की मेरी कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 12 महीने में 39 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगती है, तो बताइए जी, बताइए क्या करें, कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0.5/12 इंटू 39 लाख, 0.5/12 इंटू 39 लाख। करिए जरा गुणा, निकालिए कैलकुलेटर, एक लाख 62,500। उंगलियां चल रही थी टक 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 करके, तब वहां पे पेपर खत्म होगा, और वो तभी चलेंगी जब मेरे सामने करोगे टक 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 टक। उंगलियों की कैलकुलेटर से जान पहचान हो जानी चाहिए, मतलब आंखें बंद हो ना तो आपकी उंगली उसी जगह जाए, आंखें बंद हो तो तब भी खाना मुंह के अंदर जाता है ना या कान में घुस जाता है जब लाइट चली जाए और खाना खा रहे हो आप, क्योंकि दोस्ती हो चुकी होती है। तो कैलकुलेटर के अंदर आत्मा बैठी है, उससे दोस्ती करो, कभी कभी बातें किया करो उससे कि कैलकुलेटर तू मेरी मदद करेगा ना उस दिन, है? करेगा ना, कितना अच्छा है ना तू, आत्मा इसकी, और उसको प्यार से रखिए, यही कैलकुलेटर पेपर में लेके जाना है, तो मतलब आंखें भी बंद हो टक 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 हो रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में लेकर आइएगा। क्या सभी ने फिनिश गुड्स लिख दिया है? नेक्स्ट देखिए जी, डेटर स्टेज। अब आप 2 महीने का या 1 महीने का उधार दे रहे हो, तो बताइए जब आप 1 महीने का उधार दे रहे हो तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी? आपको पैसे कम मिलेंगे ना, 1 महीने के बाद मिलेंगे ना, तो आपको फंड्स ब्लॉक होंगे ना। तो लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 1/12 × 60 लाख, 5 लाख रुपए, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और कुछ है ही नहीं जी, टोटल कर दीजिए, यही आंसर है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी तो दी नहीं हुई, करंट लाइबिलिटी तो दी नहीं हुई, करंट लाइबिलिटी तो दी नहीं हुई। हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है? हाँ लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा, 14,50,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ गया, इसके 2 पार्ट से मैंने पहला पार्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब लिखिए नीचे 14,50,000 का, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। 14,50,000 रुपए आपको जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। बताइए यहां पे कितने पैसों की जरूरत है, तो पहले लिख लें फिर देखें मतलब समझ आया नहीं आया। लिखें, लिखें इंटरप्रिटेशन, सुष्मिता सेन लिमिटेड रिक्वायर्स ₹14,50,000 फॉर रनिंग स्मूथली इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर रनिंग स्मूथली इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऐसा भी समझ सकते हैं, 2 लिख रहे हैं हम पेपर में, तो एक ही लिखेंगे, ₹14,50,000 विल बी ब्लॉक्ड
रुपीज 14,50,000 विल बी ब्लॉक्ड इन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, आप कर चुके हैं, क्या पूछ रहा था उसने पहले पार्ट में, क्या पूछा था देखिए, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, कैश तो था ही नहीं वैसे, उसने ऐसे ही बोल दिया। फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, अच्छा सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट में अभी दो तीन लाइनें छोड़ दीजिए क्योंकि मैं एक दो मिनट के बाद बताऊंगा। आप ऐसा करें पांच छह लाइनें छोड़ दे, इसको छोड़ दें अभी और क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ जाएं। अब कौन सा बच्चा पढ़ेगा, देखिए ये सीएस की स्टडी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू नीचे लिखा, मैंने देखना जरा, हर क्वेश्चन के नीचे लिख दिया कि वो चीज मैंने कहां से ली है। चलिए आप में से कौन सा बच्चा क्वेश्चन नंबर टू पढ़ना चाहता है, पढ़िए शुरू कर दीजिए। ऐश्वर्या राय लिमिटेड कंपनी का नाम है, आपको एस्टीमेट करनी है वर्किंग कैपिटल, पढ़िए साहब। सिक्सटी परसेंट को हाईलाइट करिए, जो बच्चे हाईलाइटर लाए हैं बाहर निकाल कर रखिए हाईलाइटर। ओवरहेड्स को हाईलाइट कर दीजिए, यहां पर खाली ओवरहेड्स लिखा है, ये नहीं बताया गया कि ये फैक्ट्री है, ऑफिस है या सेलिंग है। मैंने एक बात बताई थी कि, हाँ जी चलिए ठीक है आगे बढ़िए। प्रोडक्शन इन टाइम को हाईलाइट करिए, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन इन टाइम के साथ ब्रैकेट में लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस। इसके साथ डेटर्स लिखिए क्रेडिट अलाउड टू डस्ट कस्टमर्स, और ऊपर लिखा हुआ क्रेडिट फॉर मेटीरियल की उसके साथ लिखिए क्रेडिटर्स। जब क्वेश्चन पढ़ो कुछ ना कुछ उस समय अंडरस्टैंडिंग से लिखना है तो समझ ज्यादा आता है, ये लिखने की तरकीब है। चलो अब ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, वेजेस एंड ओवरहेड्स विल बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग, फॉलोइंग को हाईलाइट कर दीजिए, मतलब जनवरी की वेजेस कब देंगे, फरवरी में, दिसंबर की कब देंगे, जनवरी में, एक महीने के बाद देते हैं तो एक महीने की आउटस्टैंडिंग हो गई नहीं हो गई। आगे बोलिए, अब इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहना चाह रहा है कि आपको उसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दी है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब पता क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर आप क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान से पढ़ें तो ऊपर लिखा हुआ है प्रिपेयर एन एस्टिमेट, फिर प्रोडक्शन लिखी है, फिर सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स, मटेरियल इन हैंड, प्रोडक्शन इन टाइम, फिनिश गुड्स, क्रेडिट वगैरह वगैरह सब नीचे उसने दे दिया है। आप बताइए जी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इस चीज को कैसे यूज करेंगे, उसने कुछ बता भी दिया है। रॉ मटेरियल को वो कह रहा है शुरू शुरू में ही आ जाता है, जरा देखो कह रहा है वो इनिशियल स्टेज में ही आ जाता है, सारा ही आ जाता है। इसका मतलब रॉ मटेरियल की डिग्री क्या कह रहा है लेने को, अब 100% लिखकर तो चीख चीख के तो बोलेगा नहीं, उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया शुरू शुरू में आ जाता है। और दूसरा बाकी चीजों के लिए उसने कहा कि जब जब काम होता है तब तब खर्च हो जाते हैं, और आपको अगर यह नहीं बताया जाए कितना काम होता है आप 50% लेते हैं, WIP में तो 50 लेते हैं, अभी बोला था भूल गए। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू क्या आप सबने पढ़ लिया, अच्छा आप सबने मुझे कॉस्टशीट बनाकर दिखानी है, पहले तो एस्टिमेशन हम साथ साथ करेंगे लेकिन कॉस्टशीट तो आप खुद बनाएंगे मेरे सामने, एक पेज छोड़ दीजिए, छोड़िए एक पेज, ठीक है तभी नंबर नहीं आते हमारे, आंसर मिलते हैं भी नंबर नहीं आते, पहला पेज छोड़िए प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए अब, और दूसरे पेज में लिखिए वर्किंग नोट वन, कंजूसी ना करें, खुला खुला बड़ा बड़ा, नहीं तो छह महीने दोबारा लगेंगे कंजूसी करेंगे तो।
खुला खुला बड़ा बड़ा अगले पेज में वर्किंग नोट बनाना है, शुरू कर दो। हेडिंग लिखिए ऊपर, 12 महीने की बनी है कॉस्ट शीट, 12 महीने की। जो जीता वो सिकंदर, ये दुनिया सिकंदरों की है। जीतने अगली दिवाली आने से पहले प्रोफेशनल बन के सेल भी घर लेकर आनी है। बताओ, नया मोबाइल फोन लेना है, नई गाड़ी लेनी है, कपड़े नए लेने हैं, मार्केट में घूमने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, टेंशन फ्री। वो कब होगा? जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। टेंशन फ्री सोचिए, आप दिवाली में घूम रहे हैं, आहा, दोस्तों के साथ मस्ती आ रही है, आहा, कोई टेंशन नहीं है पेपर देने की, आय हाय क्या समय होगा। अपनी मर्जी का मोबाइल मॉडल खरीद रहे हैं, बताइए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। मैंने वैसे एक नोट लिखवाया था और उसमें ओवरहेड्स के लिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं बताया जाए कि कौन से ओवरहेड्स हैं, लेक्चर मैंने में बताया था, तो आपने पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, हाँ, और दूसरी प्रेफरेंस किसको देनी है, और तीसरी प्रेफरेंस किसको देनी है। मतलब आपको फैक्ट्री दिए हुए फिर ओवरहेड्स आ जाते हैं, तो फिर तो ऑफिस ही मानने, और नहीं तो पहली प्रेफरेंस तो फैक्ट्री ओवरहेड को ही देनी है।
बहुत बढ़िया, अभी देख लीजिए एक बार मैं बना रहा हूं, आप सब एक बार नजर मार ले, आप बनाते रहे जो बना रहे हैं। अब आपको रॉ मटेरियल जो है सेल्स के ऊपर दिया हुआ, क्योंकि वो कह रहा है जी रॉ मटेरियल इज 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स है आपकी 4,50,000, 90,000 इंटू 5, तो 4,50,000 का 60% निकालेंगे तो 2,70,000 आएगा। फिर वो कहता है जी डायरेक्ट वेजेस 45,000 आ गई जी। अच्छा जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं हुए तो प्राइम कॉस्ट लिख दीजिए, यहां तक तो ठीक ही होगा सबका। अच्छा अब मुझे ऐड करना होता ओवरहेड्स। अच्छा ओवरहेड्स में कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर ओवरहेड्स का नेचर ना दिया जाए तो आप पहली प्रेफरेंस फैक्ट्री को देना। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 90,000 लिख दूं तो 4,05,000 आ गया जी, मैं यहां तक पहुंच गया हूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा यही फिगर नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग तो दिया नहीं हुआ WIP, प्लस अच्छा यही फिगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह दूं क्या, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड्स भी नहीं दिए हुए। अब हाँ या ना तो बोल दो। तो क्या यही फिगर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह दूं क्या? ठीक है यही कह दीजिए, सब कुछ ही तुम ही हो। क्यों? क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स भी नहीं दिए, तो सेल्स कितनी है? चलिए हाँ ठीक है, प्रॉफिट आ गया 45,000 का। चलिए बहुत बढ़िया, पहली वर्क कॉस्टशीट तो ठीक बनाई आप। अब मेन आंसर की तरफ आ जाइए, सभी बच्चे मेन आंसर की शीट में आ जाएंगे जो पहले उन्होंने छोड़ी थी। हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स। Funds blocked in current assets, और फिर यहां लिखेंगे current liabilities। हिम्मत करनी है जी, भले जो भी कुछ हो past tense में भूल जाइए, अब आगे क्या सोचिए, बार बार मत याद कीजिए उस चीज को, मन थोड़ा दुखता है, अब आगे क्या सोचिए। current assets और current liabilities ठीक है। अच्छा इसको करना कैसे है, पहली स्टेज पकड़नी है, पहली साइकिल पकड़नी है, जरा बताइए जी पहली साइकिल कौन सी है। तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2/12 इंटू टू लाख 70,000, कंज्यूमर के ऊपर ही तो होता है, बताइए कितना आ गया। इसका मतलब 2 महीने का स्टॉक जो मुझे पहले से ही खरीद के रखना है उसके लिए मेरे 45,000 रुपए लग जाएंगे। इसका मतलब मुझे 45,000 रुपए रॉ मेटेरियल के लिए चाहिए, ये बात समझ आ रही है। अच्छा ये नहीं भी समझ आए तो क्वेश्चन तो रिव्यू हो जाएगा, लेकिन कंफर्टेबिलिटी लेवल ज्यादा अच्छा आएगा आपका। सेकेंड मेटीरियल इन टाइम, लिखिए जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। टाइम का मतलब ही WIP होता है जी और क्या। अच्छा WIP में यहां तो स्टेजेस दी हुई है, मटेरियल की 100 और बाकी सबकी 50, नहीं भी दी होती तो मैं 150 ही लेती, ये मैंने कंसेप्ट 10 में पहले लिखवा देती, लिखवाई हुई है आपको ठीक है। चलिए इसका वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है, लिखिए वर्किंग नोट 3 वर्क इन प्रोग्रेस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बोलो कितनी है। संधि विच्छेद करो, इसमें रॉ मटेरियल कितना है,
इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, वेजेस, मतलब वेजेस कितनी है, और तीसरी चीज इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। अब एक बच्चा सोच रहा है पता नहीं अलग अलग क्यों कर रहा है मास्टर, बताइए जी इसको मैंने अलग अलग क्यों किया, WIP में जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पर डिग्रीज अलग अलग हैं। चलिए शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, जो लगाएगा वही पाएगा, देखते हैं कौन लगा रहा है। जो देख खाली बैठेगा वो देखता रह जाएगा और 6 महीने बाद दोबारा आएगा फिर फीस देगा। जो लगाएगा वो पाएगा, जो लगाएगा वो पाएगा। हिम्मत कीजिए, टोटल कीजिए, मेमोरी का फंक्शन मैं बता चुका हूं। बताइए जी जो लगाएगा वो पाएगा। बहुत बढ़िया, 28,125 की आवाज आ रही है। सभी बच्चे करें, कैलकुलेटर आपके हाथ में, इरादे आपके बुलंद हैं। इरादों का बुलंद होना बहुत जरूरी है, डिजायर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डिजायर नहीं है ना कुछ भी नहीं है। इच्छा किसी चीज को पाने की, अच्छा ये पानी पी रहा हूं, वैसे मैं ये दिखा रहा हूं पानी है ये, हाँ कहीं और सोच रहे हो, मैं चाय वाय पीता नहीं, ये पानी है। ठीक है, क्या सभी का आ गया 28,125 सभी का? चलिए आइए तो लिखते हैं, आइए लिखें 28,125। एक बच्चा सोच रहा है पता नहीं WIP का वर्किंग रूल बनाता है ये मास्टर, बाकी किसी का तो यही लिख देता है। हाँ, क्योंकि उसमें 50-50 का चक्कर होता है, बाकी किसी में होता नहीं है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जल्दी खींच दीजिए आप तो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3/12 इंटू, बहुत बढ़िया 1,00,000, बहुत बढ़िया, खुद करेंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्रेडिट फॉर मटेरियल। क्रेडिट फॉर मटेरियल का मतलब है आपने मटेरियल खरीदा तो क्रेडिटर्स हैं, तो लिखें क्रेडिटर्स 2 months, 2 months। अच्छा क्रेडिटर्स किससे रिलेट करते हैं? परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। अगर परचेजेस ना दी जाएं तो हम कंज्यूम्ड और परचेजेस सेम मानते हैं, ये बात भी लिखवाई थी मैंने पिछली क्लास में भाई और बहनों, जो आ जाए उनको सुन लो। क्रेडिटर्स जो है परचेजेस से रिलेट करते हैं, और अगर परचेजेस ना दी जाए तो कंज्यूम से रिलेट करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए 2/12 इंटू 2,70,000, 45,000। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, थ्री मंथ्स, 3/12। अच्छा डेटर्स किससे रिलेट करते हैं भाई और बहनों? क्रेडिट सेल्स से, क्रेडिट सेल्स से। अगर क्रेडिट सेल्स ना दी जाए तो टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स सेम ले लेते हैं, तो बताइए सेल्स कितनी है? 4,50,000, बोलो जी कितना आ गया? कैश बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 30,000, टोटल कर दीजिए।
अभी एक एडजस्टमेंट है वैसे, पहले उसको करके फिर टोटल करेंगे। पहले बताओ कैश बैलेंस सर ठीक है? अब लास्ट एडजस्टमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है। पहली एडजस्टमेंट वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग। दोबारा पढ़ो, वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग। अब ये 12 महीने की मैंने कॉस्ट शीट बनाई है या 12 महीने का मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया है, एक महीने के की मैं पेमेंट बाद में करता हूं वो ये कह रहा है। तो इसका मतलब मैंने मैंने क्या किया होगा, मैंने मैंने लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी या वेजेस होगी मैं अगले महीने दूंगा। तो इसका मतलब जब मैं यहां बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा या नहीं आएगा यहां, और आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा या नहीं। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग निकालना है और उसको करंट लायबिलिटी में दिखाना है, क्योंकि ये पेमेंट मेरी बच गई तो मेरी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। मुझे तो ये देखना ना मेरी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। तो चलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे आएगा बताइए, 1/12 इंटू कितना कितना आ गया जी, 3,750। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1/12 45 3,750 आ गया। अभी लिखता हूं वहां पर आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स बताइए जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने, 1/12 ऑफ 90,000। पहले बताओ ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? उसने इनडायरेक्टली बताई थी फॉलोइंग, तो आपको वहीं से पकड़ना है कि आउटस्टैंडिंग है। चलिए शुरू करिए, 3,750 और 7,500 लिखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कर दीजिए। अब क्वेश्चन खत्म हुआ है, करंट एसेट का जोड़ कीजिए, करंट लायबिलिटी का जोड़ कीजिए और नीचे नेट वर्किंग कैपिटल निकालिए। टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, एसेट्स का टोटल बताइए। अच्छा 3,00,000, लायबिलिटीज का यही आंसर है, चेक कर लीजिए। मेरे नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के आंसर दे दिए, फुल आंसर भी दिए कुछ क्वेश्चन के। तो नेट वर्किंग कैपिटल इंटरप्रिटेशन लिखिए, द मैनेजमेंट ऑफ ऐश्वर्या राय लिमिटेड मे बी एडवाइज्ड The management of Aishwarya Rai Limited may be advised that rupees 2,60,625 will be required. 2,60,625 will be required for smooth functioning of operating activities. Of operating activities
क्वेश्चन टू समझ आ गया। थर्ड और फोर्थ होमवर्क में लिखिए, करके आना, मैं चेक करूंगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर है, कोई नई चीज नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम जरूर करेंगे, क्योंकि एक नई चीज भी समझनी है। और फिर 6वां क्वेश्चन